नाउ डेरिवेटिव के कुछ और रूल्स के हम लोग स्टडी करेंगे। ये जो रूल्स होंगे वो होंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। मतलब अगर दो टर्म का एडिशन है, दो टर्म का सब्ट्रैक्शन है, दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, या अगर दो टर्म का डिवीजन है, तो उसमें हम लोग डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करेंगे। तो जो पहला रूल है वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जो रूल एडिशन के लिए वही रूल सब्ट्रैक्शन के लिए भी है। सपोज y इज इक्वल टू u प्लस v या y इज इक्वल टू u माइनस v, या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। एंड u एंड v दोनों x के फंक्शन होंगे, का मतलब u जो होगा वो एक x का इक्वेशन होगा और v भी एक x का इक्वेशन होगा। बोथ u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। Then derivative of y with respect to x will be derivative of u plus v या derivative of u minus v, either plus होगा या minus होगा। तो derivative of u plus or minus v is derivative of u plus or minus derivative of v। इसका मतलब addition में और subtraction में जितने भी terms होंगे उन terms का derivative separately find होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जितने भी टर्म्स होंगे उन टर्म्स का डेरिवेटिव सेपरेटली फाइंड होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस वी इज डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस डेरिवेटिव ऑफ वी, ओके, या डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस वी इज डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस डेरिवेटिव ऑफ वी, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस ऑन एग्जाम्पल। हमको दिया है वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और इसमें काउंट करो कितने टर्म्स है, 1, 2, 3 and 4। तो y equals to 4x cube minus 3x square plus 4 upon x square minus 8। और हमको पूछा है find derivative of y with respect to x। तो इस केस में y का derivative कितना होगा, तो चलो इसको find करते हैं। इसमें subtraction भी है और addition भी है। तो addition और subtraction में जितने भी terms होंगे उन सब का derivative separately find होगा। तो हमको क्या करना है, इन चारों टर्म्स के डेरिवेटिव अलग अलग फाइंड करने हैं, ठीक है। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब, फिर माइनस साइन होगा डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर सेपरेटली, सब टर्म्स के डेरिवेटिव सेपरेटली, फिर डेरिवेटिव ऑफ 4 बाई एक्स स्क्वायर और फिर डेरिवेटिव ऑफ 8। लेट अस फाइंड आउट द डेरिवेटिव सेपरेटली, ओके। अभी इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ये जो 4 है ना, ये तो कॉन्स्टेंट है, और मैंने आपको ये रूल एक्सप्लेन किया था कि डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट इनटू एक्स विल बी कांस्टेंट बाहर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, का मतलब ये जो 4 है ये सीधा यहां पे बाहर आ गया, ठीक है। दिस 4 विल कम आउटसाइड बिकॉज 4 इज कांस्टेंट। और ये जो एक्स क्यूब है इसका डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करेंगे बाय द फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन। एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, n x raise to n minus 1, very important formula, x raise to n is n x raise to n minus 1। तो x cube है तो इसका क्या होगा derivative, इसका क्या होगा derivative, 3 x raise to 3 minus 1, because यहाँ पे n जो है ना वो 3 है। तो ये हो गया x cube का derivative, okay। वैसे यहाँ पे करो 3 constant है तो 3 will come outside, 3 आ गया बाहर। और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लोग इस रूल से सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 2x रेस टू 2 माइनस 1। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अगेन 4 इज कांस्टेंट, 4 को बाहर लेके आ गया है ना, ये 4 कांस्टेंट है ये बाहर आ गया। और ये 1 अपॉन x स्क्वायर है, 1 अपॉन x स्क्वायर इज x रेस टू माइनस 2। 1 अपॉन x स्क्वायर क्या हो गया, x रेस टू माइनस 2, इसको मैंने ऊपर ट्रांसफर किया। और x रेस टू माइनस 2 का डेरिवेटिव वापस इस रूल से फाइंड करेंगे तो ये होगा माइनस 2 x रेस टू माइनस 2 माइनस 1, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। एंड डेरिवेटिव ऑफ 8 विल बी 0 बिकॉज 8 क्या है, कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, ओके। फिर हमको सिर्फ आगे सिंप्लीफाई करना बाकी है, ठीक है। तो फिर ये कितना होगा, 4 3 जा 12, और ये x रेस टू माइनस 2 और x रेस टू 2, ये कितना होगा, 3 2 जा 6, और ये कितना होगा x, और ये माइनस 8 हो गया, और ये कितना हो गया माइनस 3। इसको अगर प्लस कराऊंगा तो लेट अस टेक इट इन द डिनोमिनेटर, तो व्हाट इज आवर फाइनल आंसर, इट इज 12x स्क्वायर माइनस 6x माइनस ऑफ 8 बाय x क्यूब। तो ये हो गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव।
तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमको क्या करना है, हर एक टर्म्स के डेरिवेटिव सेपरेटली फाइंड करना है। ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट रूल। अगर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल है तो अपना नेक्स्ट रूल किसका होगा, मल्टीप्लीकेशन का। इसको बोलेंगे प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। इफ वाई इक्वल्स टू यू इन टू बी का मतलब हमको एक वाई का फंक्शन दिया है जो दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन है, हमको एक वाई का फंक्शन दिया है जो दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन है, तो उस केस में डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। तो रूल सेज इफ वाई इक्वल्स टू यू इन टू वी देन डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज डेरिवेटिव ऑफ यू इन टू वी। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ यू इन टू वी में पहले यू आएगा बाहर और डेरिवेटिव लेंगे वी का, पहले यू आएगा बाहर डेरिवेटिव लेंगे वी का, और फिर आएगा प्लस, फिर हम लोग वी को लेंगे बाहर और डेरिवेटिव ऑफ यू लेंगे। ठीक है, तो दोनों के डेरिवेटिव सेपरेट, एक एक को बाहर लेंगे, तो पहले यू आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ वी, फिर बाद में वी आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ यू। जब भी वी का डेरिवेटिव लेंगे तभी यू बाहर आएगा, और जब भी यू का डेरिवेटिव लेंगे तभी वी बाहर आएगा और बीच में आएगा प्लस। तो दिस इज रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। तो डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी इज यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी हमको फिर इसमें फ्रीक्वेंटली यूज करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी क्या है, यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। चलो इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। हमको दिया है y इज इक्वल टू 3x² + 7 इंटू 6x + 3 और हमको पूछा है इसका डेरिवेटिव निकालो। तो देखो ये हो गया दो टर्म का प्रोडक्ट, तो इसको हम लोग एक को तो u बोलेंगे और सेकंड टर्म को v बोलेंगे और इसको u इंटू वी के रूल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो dy बाई dx, dy बाई dx का मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज d बाई dx ऑफ 3x² + 7 इंटू 6x + 3। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टर्म को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं u, इसको क्या बोलेंगे u, और ये जो सेकंड टर्म है इस सेकंड टर्म को हम लोग बोलेंगे v, तो इसको u कॉल करो इसको v कॉल करो, तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v। देखो अभी इस फॉर्म में आ गया, तो अभी हमको ये रूल अप्लाई करना है। तो पहले क्या आएगा u, दिस इज यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी, तो ये वी बाहर आ गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। ठीक है, तो ये जो मैंने स्टेप लिखा है वो इस रूल का यूज करके मैंने लिखा है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को पॉज करो और इस स्टेप को एक बार ठीक से समझ लो, देन वी प्रोसीड फर्दर। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो 6x का डेरिवेटिव आएगा 6, वापस मैंने क्या किया, ये रूल अप्लाई किया, देखो यहां पे तो 6 आ गया बाहर और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आ गया 1। 3 का कितना है डेरिवेटिव, तो 3 का डेरिवेटिव 0 है बिकॉज 3 तो कांस्टेंट है। तो 6x + 3 का डेरिवेटिव 6 + 0, 6x का 6 और 3 का 0। ओके, अभी ये तो कांस्टेंट बाहर था और डेरिवेटिव तो इसका लेना है। वापस 3x² + 7 का मतलब दो टर्म का एडिशन है, तो इन दोनों के डेरिवेटिव सेपरेट। 3x² में 3 कांस्टेंट, वो बाहर आएगा, 3 आएगा बाहर, और x² का डेरिवेटिव कितना होगा 2x raised to 2 - 1 दैट इज 2x। तो x² का डेरिवेटिव 2x और ये 3 बाहर, तो कितना हो गया 6x, और 7 का कितना होगा 0 बिकॉज 7 तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया 3x² + 7 का डेरिवेटिव विच इज 6x + 0। ओके, अब हमको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई करो और इसको जो है वो 6x से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना होगा 18x² + 42, ये कितना होगा 36x² + 18x, फिर इस x² की टर्म को इसके साथ ऐड करो तो ये कितना होगा 54x² होगा इन दोनों का एडिशन प्लस 18x + 42, तो ये हो गया इस टर्म का डेरिवेटिव। तो इस वीडियो में हमने देखा हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड डेरिवेशन डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट रूल। तो हम लोग ने दो रूल स्टडी किए, इनफैक्ट 3 रूल स्टडी किए, एक है एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन और तीसरा मल्टीप्लीकेशन। अभी जो हमारा फोर्थ रूल होगा वो होगा डिविजन का, सो कॉल्ड कोशेंट।
बट इस रूल को स्टार्ट करने से पहले वापस एक बार वो फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे। जैसे x रेस टू n का डेरिवेटिव, x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू x रेस टू n माइनस 1 का मतलब पावर आगे और x रेस टू पावर में से 1 माइनस। इसी फॉर्मूला को यूज करके रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये तो हमने अभी जस्ट फाइंड किया था। फिर x का डेरिवेटिव होगा 1, तो जैसे रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, व्हाट इज ई, एक्सपोनेंशियल, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव के एग्जाम्पल्स है। ओके, नाउ लेट अस कम टू द क्वोशेंट रूल या डिविजन रूल का मतलब, अगर आपको एक इक्वेशन दिया है जो डिवीजन के फॉर्म में है, का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे फॉर्म में है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। मल्टीप्लीकेशन का तो हमने फाइंड कर दिया। ओके, तो डेरिवेटिव के लिए सपोज y इक्वल्स टू यू बाई वी, y इक्वल्स टू यू बाई वी, यहां पे u इज अ फंक्शन ऑफ x, v इज अ फंक्शन ऑफ x। जैसे देखो मैंने यहां पे एग्जांपल लिया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का मतलब ये u होगा जो x के फंक्शन में होगा, और ये v होगा ये भी x के फंक्शन में होगा। तो फिर ऐसे डिवीजन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है, तो रूल बच्चों समझ लो ठीक से, थोड़ा कंफ्यूजिंग रूल है। तो dy by dx का मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे क्या आएगा, v का मतलब डिनोमिनेटर पहले ऊपर जाएगा, ठीक है, सो दिस v गोज इन द न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो इट इज v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, फिर आएगा माइनस साइन, फिर आएगा u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। तो क्या है डिनोमिनेटर, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v एंड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर का मतलब v का स्क्वायर। तो ये है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिवीजन, फाइंडिंग द डिवीजन u अपॉन v। तो इफ y इक्वल्स टू u अपॉन v, वी कैन से dy बाय dx इक्वल्स टू v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। और फॉर्मूला ये रूल तभी क्लियर होता है जब हम उसके एग्जांपल सॉल्व करते हैं, और जितने ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करेंगे उतना वो रूल जो है हमारा क्लियर होगा। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल, हमको दिया गया है y एज x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, तो इस y का हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो y कितना है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, तो इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर है इस न्यूमरेटर को हम लोग कॉल करेंगे u, तो ये हो जाएगा u पूरा न्यूमरेटर, और ये जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर को हम लोग कॉल करेंगे v, तो ये हो गया u अपॉन v, ठीक है। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, पहले आएगा v, तो हमारा v क्या है x बाय x माइनस 2, तो ये v है जो यहां पे न्यूमरेटर पहले आ गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो यहां पे u क्या है x स्क्वायर प्लस 1, फिर आएगा माइनस, फिर क्या आएगा u, तो व्हाट इज अवर u, x स्क्वायर प्लस 1, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 आ गया u, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, बट हमारा v क्या है x माइनस 2, तो इट इज v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, बट अपना v कितना है x माइनस 2, तो x माइनस 2 का स्क्वायर। तो आई होप द रूल इज क्लियर टू यू, बस अब इसको सॉल्व करना है, अपने नॉर्मल फॉर्मूले यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो x माइनस 2, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब ये जो x स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इस रूल से निकालेंगे, एक्स रेस टू एन का क्या होता है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, तो बच्चों बताओ एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2 एक्स रेस टू 2 माइनस 1, ठीक है, मैंने ये रूल अप्लाई किया।
तो फिर ये कितना होगा, इट इज 2x, इट इज 2x, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया 2x, और 1 तो नंबर है एंड डेरिवेटिव ऑफ नंबर इज, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो ये जो 1 है इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 0, तो मैंने यहां पे सिर्फ 2x लिखा है ना, x स्क्वायर का 2x, फिर माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, अच्छा अभी इसको फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 का मतलब डेरिवेटिव ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों के डेरिवेटिव सेपरेट फाइंड करेंगे, व्हाट इज x का डेरिवेटिव 1, तो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, एंड व्हाट इज 2 का डेरिवेटिव 0, बिकॉज 2 इज कांस्टेंट, तो ओके x माइनस 2 का डेरिवेटिव x का 1 और 2 का 0 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 2 द होल स्क्वायर, ओके। तो फिर इसके बाद इसको अभी और सिंपलीफाई करेंगे, ये तो सिंपल हो गया, देखो 2x को इससे मल्टीप्लाई करो और ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा, तो इसका क्या होगा मल्टीप्लीकेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x और ये होगा माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x माइनस 2 द होल स्क्वायर, तो और फाइनल आंसर इज x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2 द होल स्क्वायर। तो डिवीजन जब भी होता है तो उसका डेरिवेटिव हम लोग इस रूल से फाइंड करेंगे, तो दिस वॉज डिविजन रूल। अभी हमको डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट रूल स्टडी करना है और ये लास्ट रूल होगा, ओके। लास्ट रूल फिजिक्स के लिए, लास्ट रूल पूरे मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन का नहीं, जब भी आप इस टॉपिक को मैथमेटिक्स में स्टडी करेंगे तो इसके आगे पावर रूल्स भी है, बट हमको सिर्फ डिफरेंशिएशन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करना है, तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंशिएशन का ये लास्ट रूल है, का मतलब इसके आगे वाला जो डिफरेंशिएशन है वो फिजिक्स में काम में नहीं आने वाला, तो जितना पार्ट फिजिक्स में आने वाला है या यूज करना है उतना ही हम लोग स्टडी करेंगे, तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आपको इसको ठीक से समझना है और 2-3 बार रिवाइंड करके उसको ठीक से समझना है, जब तक आप समझ नहीं पाते तब तक उसको रिवाइंड करके देखते रहो, ओके ओके। रूल का नाम क्या है, चेन रूल, और चेन रूल को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, का मतलब इसमें फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन होगा, का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x ना, तो यहां पे ऐसे नहीं होगा, यहां पे बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन, ओके। नॉर्मली क्या होता है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, का मतलब एक ही फंक्शन होता है, पर इसमें क्या होगा, y के अंदर दो फंक्शन होंगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा, ओके। वो देखो कैसे होगा, तो सबसे पहले देखो रूल क्या है, तो इफ y बी द फंक्शन ऑफ u, y जो है वो u का फंक्शन है और u जो है वो x का फंक्शन है, तो y इज फंक्शन ऑफ u एंड u इज फंक्शन ऑफ x, और हमको पूछा है फाइंड dy बाय dx, तो इन दैट केस dy बाय dx विल बी इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx, dy बाय dx इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx, ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, चलो कुछ एग्जाम्पल इसके डिस्कस करते हैं, तो पहला एग्जाम्पल है y इक्वल टू साइन ऑफ log ऑफ x, y इक्वल टू साइन ऑफ log ऑफ x, तो देखो यहां पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन है साइन और दूसरा फंक्शन है log, अगर मान लो ये log नहीं होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, साइन x, है ना, सपोज यहां पे log नहीं होता तो होता साइन x, का मतलब एक ही फंक्शन होता साइन, बट इसमें क्या है, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, ठीक है, ओके। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, y इक्वल टू log ऑफ tan ऑफ x, तो देखो यहां पे भी फंक्शन के अंदर फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन है log, दूसरा फंक्शन क्या है tan, तो दिस इज फंक्शन के अंदर फंक्शन, अगर ये tan नहीं होता तो ये log ऑफ x होता, का मतलब सिंगल फंक्शन होता, तो इसमें भी फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया। एग्जाम्पल थ्री देखो, y इक्वल टू साइन ऑफ रूट x, इसमें भी दो फंक्शन है, एक है साइन और दूसरा है स्क्वायर रूट, एक है साइन और दूसरा क्या है स्क्वायर रूट, ठीक है, अगर ये रूट नहीं होता तो ये साइन x होता, का मतलब सिंगल फंक्शन होता, तो ऐसे टाइप के डेरिवेटिव हमको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो पहला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, हाउ टू सॉल्व y इक्वल टू
साइन लॉग एक्स। तो मैंने एग्जाम्पल वन को यहां पे कैंसिल किया। अभी यहां पे क्या है, दो दो फंक्शन है, एक साइन है और दूसरा लॉग है। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन नंबर वन है उसके बाद जितना भी टर्म दिया है, जैसे हमको यहां पे क्या दिया है, साइन के बाद लॉग एक्स, तो जो लॉग एक्स है इसको हम लोग पहले मान लेंगे यू, स्टेप बाय स्टेप समझ लो बच्चों, ठीक है। तो साइन अपना पहला फंक्शन है ना, तो साइन के बाद जो फंक्शन होगा उसको पूरा फंक्शन को क्या मान लेंगे, यू, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वाई इज अ फंक्शन ऑफ यू। तो यहां पे वाई इज इक्वल टू साइन यू का मतलब वाई इज अ फंक्शन ऑफ यू, और यहां पे यू क्या है, लॉग एक्स है ना, मैंने लॉग एक्स को यू माना है, का मतलब यू जो है ना वो लॉग एक्स है, का मतलब यू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ यू एंड यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, राइट, अंडरस्टैंड। तो फिर अपना फॉर्मूला क्या है, dy by dx equals to dy by du into du by dx। तो पहले हम लोग y का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u, बट y तो हमारा साइन u हो गया, एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन, तो यहां पे देखो मैंने क्या लिखा, d by du of साइन u, ये log x जो है ना, ये log x क्या है, ये log x क्या है, u है, ठीक है। तो दिस इज dy by du, तो ये y मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, y कितना लिया मैंने, साइन u इंटू du by dx का मतलब d by dx of u, बट u कितना है, log x। सिंपल वर्ड्स में अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, मल्टीप्लाई करके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। आई रिपीट, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, ठीक है। तो पहले मैंने लेना है साइन u का डेरिवेटिव, व्हाट इज साइन x का डेरिवेटिव, कॉस x, तो व्हाट इज साइन u का डेरिवेटिव, कॉस u, तो साइन log x का डेरिवेटिव कॉस log ऑफ x, बिकॉज ये तो हमारा u है, तो साइन u बिकम्स कॉस u, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ log x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, 1 अपॉन x, तो इसका आएगा 1 अपॉन x, तो देयरफॉर ये बन गया अपना फाइनल आंसर। तो y equals to sin log of x का डेरिवेटिव cos log of x into 1 upon x। तो पहले मैंने sin का डेरिवेटिव ले लिया, तो sin का डेरिवेटिव आ गया cos, तो sin log x का cos log of x, का मतलब पहले मैंने सिर्फ बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फिर मल्टीप्लाई करके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, व्हाट इज log x का डेरिवेटिव, 1 upon x, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। Now come to example number 2, y equals to log tan of x, ठीक है। तो यहां पे भी पहला फंक्शन क्या है, log, दूसरा फंक्शन क्या है, tan, ओके। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो log के बाहर फंक्शन है इसको हम लोग कॉल करेंगे u, तो ये बन गया log u, ये बन गया log u। तो अपना रूल क्या है, पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और उसके बाद अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, व्हाट इज लॉग यू, लॉग यू होगा 1 अपॉन यू, बिकॉज लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो ये जो लॉग टेन एक्स है उसका होगा 1 अपॉन टेन एक्स, बिकॉज ये तो हमारा यू है, तो लॉग यू इज 1 अपॉन यू, बट यू तो हमारा टेन एक्स है। तो पहले मैंने बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, दिस इज 1 अपॉन टेन एक्स, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, का मतलब ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, इट इज सेक्स स्क्वायर एक्स, है ना, टेन एक्स का क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 1 अपॉन टेन एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अभी हमको डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट रूल स्टडी करना है और ये लास्ट रूल होगा, ओके, लास्ट रूल फिजिक्स के लिए, लास्ट रूल पूरे मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन का नहीं, जब भी आप इस टॉपिक को मैथमेटिक्स में स्टडी करेंगे तो इसके आगे पावर रूल्स भी है, बट हमको सिर्फ डिफरेंशिएशन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करना है, तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंशिएशन का ये लास्ट रूल है, का मतलब इसके आगे वाला जो डिफरेंशिएशन है वो फिजिक्स में काम में नहीं आने वाला,
तो जितना पार्ट फिजिक्स में आने वाला है या यूज करना है उतना ही हम लोग स्टडी करेंगे. तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन. अच्छा, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो आपको इसको ठीक से समझना है और दो तीन बार रिवाइंड करके उसको ठीक से समझना है. जब तक आप समझ नहीं पाते तब तक उसको रिवाइंड करके देखते रहो. ओके ओके, रूल का नाम क्या है? चेन रूल. और चेन रूल को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन का मतलब इसमें फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन होगा. का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ना, तो यहां पे ऐसे नहीं होगा, यहां पे बोलेंगे वाई इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन. ओके, नॉर्मली क्या होता है वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब एक ही फंक्शन होता है, बट इसमें क्या होगा वाई के अंदर दो फंक्शन होंगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा. ओके, वो देखो कैसे होगा. तो सबसे पहले देखो रूल क्या है. तो इफ वाई बी द फंक्शन ऑफ यू, वाई जो है वो यू का फंक्शन है और u जो है वो x का फंक्शन है, तो y इज फंक्शन ऑफ u एंड u इज फंक्शन ऑफ x. और हमको पूछा है फाइंड dy बाय dx, तो इन दैट केस dy बाय dx विल बी इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx. dy बाय dx इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx. ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है. चलो कुछ एग्जाम्पल इसके डिस्कस करते हैं. तो पहला एग्जाम्पल है y इक्वल्स टू साइन ऑफ log ऑफ x, y इक्वल्स टू साइन ऑफ log ऑफ x. तो देखो यहां पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन है साइन और दूसरा फंक्शन है log. अगर मान लो ये log नहीं होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, साइन x है ना. सपोज यहां पे log नहीं होता तो होता साइन x का मतलब एक ही फंक्शन होता साइन, बट इसमें क्या है फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है. ठीक है ओके, दूसरा एग्जांपल क्या है, वाई इक्वल टू लॉग ऑफ टेन ऑफ एक्स. तो देखो यहां पे भी फंक्शन के अंदर फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन है लॉग, दूसरा फंक्शन क्या है टेन. तो दिस इज फंक्शन के अंदर फंक्शन, अगर ये टेन नहीं होता तो ये लॉग ऑफ एक्स होता का मतलब सिंगल फंक्शन होता, तो इसमें भी फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया. एग्जाम्पल थ्री देखो, y इक्वल्स टू साइन ऑफ रूट एक्स, इसमें भी दो फंक्शन है, एक है साइन और दूसरा है स्क्वायर रूट, एक है साइन और दूसरा क्या है स्क्वायर रूट. ठीक है, अगर ये रूट नहीं होता तो ये साइन एक्स होता का मतलब सिंगल फंक्शन होता. तो ऐसे टाइप के डेरिवेटिव हमको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो चलो पहला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, हाउ टू सॉल्व y इक्वल्स टू साइन लॉग एक्स. तो मैंने एग्जाम्पल वन को यहां पे कंसिडर किया. अभी यहां पे क्या है, दो दो फंक्शन है, एक साइन है और दूसरा लॉग है. तो सबसे पहले ये जो फंक्शन नंबर वन है उसके बाद जितना भी टर्म दिया है, जैसे हमको यहां पे क्या दिया है, साइन के बाद लॉग एक्स, तो ये जो लॉग एक्स है इसको हम लोग पहले मान लेंगे यू, स्टेप बाय स्टेप समझ लो बच्चों. ठीक है, तो साइन अपना पहला फंक्शन है ना, तो साइन के बाद जो फंक्शन होगा उसको पूरा फंक्शन को क्या मान लेंगे, u. ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ u, तो यहां पे y इज इक्वल टू साइन u का मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ u, और यहां पे u क्या है log x है ना, मैंने log x को u माना है का मतलब u जो है ना वो log x है का मतलब u क्या है फंक्शन ऑफ x. तो y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो फिर अपना फॉर्मूला क्या है, dy by dx equals to dy by du into du by dx. तो पहले हम लोग y का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, बट y तो हमारा साइन u हो गया, एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन, तो यहां पे देखो मैंने क्या लिखा, डेरी d by du ऑफ साइन u, ये log x जो है ना, ये log x क्या है, ये log x क्या है u है. ठीक है, तो दिस इज dy by du, तो ये y मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, y कितना लिया मैंने sin u into du by dx का मतलब d by dx of u, but u कितना है log x. सिंपल वर्ड्स में अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, मल्टीप्लाई करके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो. आई रिपीट,
अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। ठीक है, तो पहले मैंने लेना है साइन u का डेरिवेटिव। व्हाट इज साइन x का डेरिवेटिव? कॉस x। तो व्हाट इज साइन u का डेरिवेटिव? कॉस u। तो साइन log x का डेरिवेटिव कॉस log ऑफ x, बिकॉज ये तो हमारा u है, तो साइन u बिकम्स कॉस u मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ log x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x? 1 अपॉन x। तो इसका आएगा 1 अपॉन x। तो देयरफॉर ये बन गया अपना फाइनल आंसर। तो y इक्वल्स टू साइन log ऑफ x का डेरिवेटिव cos log ऑफ x इंटू 1 अपॉन x। तो पहले मैंने साइन का डेरिवेटिव ले लिया, तो साइन का डेरिवेटिव आ गया cos। तो साइन log x का cos log ऑफ x का मतलब पहले मैंने सिर्फ बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फिर मल्टीप्लाई करके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। व्हाट इज log x का डेरिवेटिव? 1 अपॉन x। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। नाउ कम टू एग्जांपल नंबर टू, y इक्वल्स टू log tan ऑफ x। ठीक है, तो यहां पे भी पहला फंक्शन क्या है? log, दूसरा फंक्शन क्या है? tan। ओके, तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो log के बाहर फंक्शन है इसको हम लोग कॉल करेंगे u। तो ये बन गया log u, ये बन गया log u। तो अपना रूल क्या है, पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और उसके बाद अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। व्हाट इज log u? log u होगा 1 अपॉन u, बिकॉज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। तो ये जो log tan x है उसका होगा 1 अपॉन tan x, बिकॉज ये तो हमारा u है। तो log u इज 1 अपॉन u, बट u तो हमारा tan x है। तो पहले मैंने बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, दिस इज 1 अपॉन tan x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ tan x का मतलब ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x? इट इज sec स्क्वायर x, है ना? tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 1 अपॉन tan x into sec स्क्वायर x। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।